हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके कारण आप देख रहे हो कि एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस में आज राजस्थान भारत के पहले 3 राज्यों में से एक है। हम इंस्पायर अवार्ड जिसमें छात्र वैज्ञानिक भाग लेते हैं, इसमें 3 साल से लगातार प्रथम आ रहे हैं। फिट इंडिया में हम लोग फर्स्ट हैं और अभी 5 विश्व रिकॉर्ड एजुकेशन विभाग ने बनाए हैं। ये सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है और शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत कोविड में जो लोग स्कूल नहीं जा सके या डिजिटल माध्यम से नहीं पढ़ सके तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स बना रहे। ब्रिज कोर्स के माध्यम से अंग्रेजी, गणित और ये कहना चाहिए कि 3री से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश, गणित और विज्ञान के जो ब्रिज कोर्स बनाकर पढ़ाया गया था उसका इवेल्यूएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया गया और उसका विश्व रिकॉर्ड बना। अमेरिका जैसे देश में भी 3री से 8वीं तक का इस प्रकार का इवेल्यूएशन नहीं है। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग हर तरीके से नवाचार कर रहा है और नवाचारों के माध्यम से हमारे जो SIERT के विशेषज्ञ जो भी राय देते हैं पाठ्यक्रम के बारे में या अन्य एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस के बारे में उसको हम अडेप्ट करके और स्कूलों को ले जाते हैं। लगातार नवाचार जो है शिक्षा में किया जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके कारण आप देख रहे हो कि एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस में आज राजस्थान भारत के पहले 3 राज्यों में से एक है। हम इंस्पायर अवार्ड जिसमें छात्र वैज्ञानिक भाग लेते हैं, इसमें 3 साल से लगातार प्रथम आ रहे हैं। फिट इंडिया में हम लोग फर्स्ट हैं और अभी 5 विश्व रिकॉर्ड एजुकेशन विभाग ने बनाए हैं। ये सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है और शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत कोविड में जो लोग स्कूल नहीं जा सके या डिजिटल माध्यम से नहीं पढ़ सके तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स बना रहे। ब्रिज कोर्स के माध्यम से अंग्रेजी, गणित और ये कहना चाहिए कि 3री से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश, गणित और विज्ञान के जो ब्रिज कोर्स बनाकर पढ़ाया गया था उसका इवेल्यूएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया गया और उसका विश्व रिकॉर्ड बना। अमेरिका जैसे देश में भी 3री से 8वीं तक का इस प्रकार का इवेल्यूएशन नहीं है। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग हर तरीके से नवाचार कर रहा है और नवाचारों के माध्यम से हमारे जो SIERT के विशेषज्ञ जो भी राय देते हैं पाठ्यक्रम के बारे में या अन्य एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस के बारे में उसको हम अडेप्ट करके और स्कूलों को ले जाते हैं। अभी इसमें एजेंडा जो है हमारा 11 या 12 सूत्री उसको देखकर जो निर्णय लेंगे उसका बाकायदा प्रेस नोट आपको जारी कर देंगे। उदयपुर का अगर बात करें तो CST से नॉन CST वाला मामला भी है। इसके बारे में नीति बनाकर दी है, जब सारे स्थानांतरण चलेंगे तो उन पर भी विचार करके उचित निर्णय लेंगे।